हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप लोगों को प्रोजेक्ट का टूर बहुत पसंद आया होगा। वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ द वीडियो, जहाँ पे हम दिखाएंगे आपको बहुत सारी फेस्टिवल क्लिप्स एज वेल एज इस सोसाइटी का रिव्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Go!
एक मिनट एक मिनट तुम आगे आ जाओ ना देखिए आ जा। ओए आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। चलो मिस कैलकुलेशन थी लेकिन आ गया।
दिया पर सदा सबसे पहले बात करते हैं सोसाइटी के पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में, विच इज़ यहाँ का अथॉरिटी पार्क। मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया है कितना स्पेशियस है, कितना ग्रीन है वो पार्क। एंड स्पेशली इफ़ यू सी विंटर्स के टाइम पे पीपल लिटरली कम आउट ऑफ देयर होम्स और वो यहीं पे यू नो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं एंड दे इन्जॉय अ लॉट। सो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज़ दिस। एंड यहाँ की मोस्टली सोसाइटीज़ में ये फैसिलिटी नहीं है, बट Ace Aspire has that park and they're utilizing it to the fullest, which is a very good thing. Moving on to the next positive aspect, which is iski construction quality. जब हमने यहाँ पे घर देखे तो जो इनका raw flat है उसी में builder ने जितने भी सारे fixtures होते हैं, fittings होते हैं, वो सारे branded लगा रखे हैं। And this gives you confidence to the coming up buyers जो properties explore करते हैं कि जो स्पेसिफिकेशंस बिल्डर्स ने बोली है अपने प्रोजेक्ट में लगाने के लिए वो सारी फुलफ़िल हो रही हैं, स्पेशली ब्रांड मैटर्स। सो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे आओगे आपको सारी ब्रांडेड फिटिंग्स ही दिखेंगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड पॉइंट्स ऑफ दिस सोसाइटी। मूविंग ऑन टू अनदर पॉजिटिव एस्पेक्ट दैट इस सोसाइटी की लोकेशन जो है इट इज़ वेरी नियर टू ऑल द बेसिक अमेनिटीज़ जो चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो। गौर मॉल इज़ वेरी नियर, इनफैक्ट सेंट्रल नोएडा से आप कनेक्ट कर सकते हो इन लाइक 7 मिनट्स। एंड जितने भी आप और भी अमेनिटीज सोच सकते हो, आई थिंक एवरीथिंग इज़ वेरी नियर टू दिस सोसाइटी। इसी पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ लगा हुआ एक नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव साइड इज़ ऑब्वियसली बेटर दैन द नेगेटिव वन, बट इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको बताऊँ। सो वन ऑफ़ दी नेगेटिव थिंग्स जो यहाँ पे हमें लगी, अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन अ प्लेस जहाँ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं सारी अमेनिटीज सारी फैसिलिटीज़ से, बट स्टिल यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा इशू है। यू नो रिक्शाज एंड ऑटोज डायरेक्टली सोसाइटी के सामने से क्रॉस नहीं करता है, सो यू हैव टू वॉक टूवर्ड्स गोल्डन आई ताकि आपको मेन रोड से कनेक्टिविटी मिले एंड आप कोई ई रिक्शा या शेयर्ड ऑटो वहाँ से ले सकें अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है, कहीं जाना है तो। इन सो दिस इज़ वन ड्रॉबैक दैट आई फेल्ट। अदर थिंग जो यहाँ पे आई थिंक सभी का मेजर कंसर्न है वो है यहाँ के नेटवर्क इशूज। थोड़ा सा इशू होता है फ़ोन से रिलेटेड, नेटवर्क्स नहीं आते हैं। ऑल्दो ये प्रॉब्लम हर हाई राइज सोसाइटी की होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है। आई डोंट नो रीज़न क्या है, बट नेटवर्क्स का बहुत प्रॉब्लम होता है। सो अनलेस यू हैव वाई फाई कनेक्टिविटी एट होम एंड आप वाई फाई कॉलिंग कर सकते हो, जो आज की डेट में हर इंसान करता है, वाईफाई ऑलमोस्ट हर घर में हमें मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आपको इशू हो सकता है इन केस ऑफ कॉलिंग एनीबॉडी। सो दिस इज़ वन मेजर थिंग दैट वी फेल्ट कि माइट क्रिएट एन इशू। रेस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट सोसाइटी की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ही है एंड पीपल आर रियली हैप्पी, उनके रिव्यूज़ अच्छे होते हैं, मेंटेनेंस स्टाफ बहुत अच्छा है। करेंटली ये सोसाइटी बिल्डर के अकॉर्डिंग ही चल रही है, बट प्रपोज्ड है AOA विल बी फॉर्म्ड सून एंड आप कह सकते हैं 2022 से इसका मैनेजमेंट AOA को हैंड ओवर कर दिया जाए। बट येस वन थिंग वी फाउंड रियली गुड कि जितनी सोसाइटी के अमेनिटीज़ हैं और जितनी पॉपुलेशन है, आई थिंक इट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं फील होता है कि लोग ज़्यादा हैं और उस हिसाब से पार्क छोटा पड़ रहा है या कोई और ऐसी जगह जो छोटी पड़ रही है। आई थिंक हर चीज़ काफ़ी परफेक्टली फिट होती है गोइंग विद द पॉपुलेशन एंड विच इज़ अ गुड थिंग। नहीं, ये प्रॉब्लम बहुत सारी सोसाइटीज़ में है कि सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, लोग बहुत सारे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग शायद जो सेंट्रल पार्क है वो बहुत छोटा है एंड दैट क्रिएट्स एन इशू एट सम और द अदर पॉइंट। सो दिस इज़ आवर रिव्यू फॉर द सोसाइटी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू अ सोसाइटी टूर, इट्स रिलेटेड टू एन इनफॉर्मल ट्रिप दैट वी हैड. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय.